समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों की शुक्रवार को जांच की गई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी में एडीएम सिटी राजेश कुमार श्रीवास्तव, समाज कल्याण अधिकारी सप्त ऋषि, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाज कल्याण अधिकारी सप्त ऋषि और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, एक कमीशन से एक विभागीय 11 सर संबंधित, उन्हीं का सर सत्यापन और एक बुलेट पॉइंट्स एशियन हिस्ट्री की आपकी स्टडीज में सबसे बढ़िया किताब आपने क्या पाई? सर जहाँ तक मुझे सबसे बढ़िया तो हम देसी पर हैं, देसी श्रीवास्तव, देसी श्रीवास्तव विद्या भवन सीरीज पढ़ी है जी? विद्या भवन सीरीज इतिहास की नहीं पढ़ी थी, वर्षा पर आए थे तैयारी करते थे। क्या सब्जेक्ट था? इंग्लिश, लिटरेचर, बी ए एम 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 ए बी ए। कौन सा राइटर आपको सबसे अच्छा लगा आपने? उसकी कौन सा मॉडल सबसे अच्छा लगा? जो अच्छा कौन सी अच्छी बुक लगी आपको? सर वैसे तो हमने हिंदी मीडियम रुकता शर्मा पढ़े हैं, बाकी काल मार्क्स से लगाया जो एम एल हैं सर, बाकी लोगों को भी पढ़ा है। काल मार्क्स से क्या बॉन्डेड लेवर जी, वो द्वंदात्मक भौतिकवाद है, बाकी सारी चीज़ें भी मिलती हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसमें? ये है सर कि मार्क्स ने बताया कि दो तरह के वर्ग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, एक होता है सर्वहारा वर्ग और दूसरा होता है बुर्जुआई क्लास, और इन दोनों के बीच जो संघर्ष होता रहता है वो अपनी स्थिति को बचाए रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और जो सर्वहारा वर्ग है वो उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो इनके जो ढंग होता है वही धंधा को बहुत ही बात उन्होंने दिया। कोई दोहा याद है कभी का? तो दोहा बताइए। आज भी वो सब सत्य है सारे दोहे, कोई कह नहीं है। वो परसेप्शन था उनका सोसाइटी का, उसका कोई दोहा याद है? समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय हैं, इसमें 2 ATS हैं और 8 विद्यालय अनुदानित प्राइमरी पाठशालाएं हैं। उनके अध्यापकों के शैक्षिक अभिलेखों का ये सत्यापन का कार्य चल रहा है। ये DM साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी भी सदस्य हैं। जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी नगर को इसमें अपने प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। ये समाज कल्याण विभाग में आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए 2 कमीशन से आए हुए अभ्यर्थी और बाकी कॉन्ट्रैक्ट के अभ्यर्थी सब उपस्थित हुए हैं, अपने मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों को लेके उनकी चेकिंग चल रही है, उसके सत्यापन के बाद कार्रवाई की। कितने लोगों का सत्यापन? सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं 20-22 लोग, सभी का हो गया है। उनके मूल प्रमाण पत्र चेक कर, जो अगर किसी का गलत होगा तो उसका रोक दिया जाएगा।